दोस्तों नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें, इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। आंगनबाड़ी कर्मियों से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें आ रही हैं, बहुत ही बड़ी और काम की खबरें हैं। सिलसिलेवार शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, आप देख रहे हैं। दरअसल बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने अब सिर्फ पंजीकरण के आधार पर पोषाहार वितरण पर रोक लगा दी है। इसका मतलब क्या हुआ, आइए जानते हैं। नई व्यवस्था के तहत पोषाहार पाने वाले लाभार्थियों के पंजीकरण में आधार व अन्य पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि पोषाहार लेने के लिए आधार व अन्य पहचान पत्र अवश्य दिखाना होगा। विभाग के अपर मुख्य सचिव एस राधा चौहान ने अधिसूचना जारी कर इस व्यवस्था को लागू कर दिया है। इससे अब लाभार्थियों की संख्या में फर्जीवाड़ा पर अंकुश लगेगा, इस सरकार का कहना है। और इस फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाए जाने की बात को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। अधिसूचना के मुताबिक आधार ना होने की स्थिति में आधार के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसी तरह 7 महीने से 5 साल तक के बच्चों की जो बच्चे होंगे 7 महीने से 5 साल तक के उम्र के बच्चों के नामांकन में भी अब पहचान पत्र देना जरूरी होगा। तो ये बड़ी खबर जो है निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के लिए है, संपूर्ण जनपद के लिए है। हालांकि इस उम्र के बच्चों का आधार बनने में अड़चन को देखते हुए उनके किसी अन्य पहचान पत्र को मान्यता दी जाएगी। वहीं लाभार्थियों के लिए आधार का सत्यापन भी अनिवार्य होगा। तो ऐसी खबर जो है निकल कर आ रही है। इस खबर को और भी ज़्यादा आपको बता देते, लाभार्थी बच्चों के लिए कौन कौन से जो है पहचान पत्र मान्य किए गए इसको भी समझते हैं। आधार के लिए किए गए नामांकन की पर्ची, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा जारी पहचान पत्र, बच्चे के विधिक संरक्षण का जो है राशन कार्ड, सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं योजनाओं के लिए बने कार्ड, अभिभावक का पेंशन कार्ड, आर्मी कैंटीन कार्ड, ये जो हमने अभी आपको बताई है लाभार्थी बच्चों के लिए पहचान के तौर पर मान्य होंगे। इसी के साथ ही और भी अहम जानकारी है आपको बता दें, 3 साल से पड़ा है आधार किट खरीदने का पैसा। अब इसका मतलब क्या हुआ, लाभार्थियों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर ही आधार बनवाने की सुविधा देने के लिए केंद्र ने प्रदेश के सभी 897 केंद्रों पर आधार किट रखे जाने के निर्देश दिए थे। इसके लिए केंद्र ने वर्ष 2018 में प्रदेश सरकार को 20 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए। इसके बावजूद विभाग ने अब तक आधार किट नहीं खरीदी। नतीजतन प्रदेश में इस समय 1 करोड़ से अधिक लाभार्थी बच्चों का आधार नहीं बन पा रहा है। आधार बनवाने में सबसे अधिक परेशानी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को हो रही है। तो ये जो है सच्चाई हमने आपको बताई। और अब जो है पहचान पत्र के बिना पोषाहार नहीं मिलेगा, तो एक बड़ी खबर है। इसी के साथ ही दूसरी बड़ी अच्छी खबर आपको दे देते हैं, गुड न्यूज एक तरफ से कह सकते हैं। दरअसल बाल विकास विभाग में 2981 पदों पर भर्ती होने के अनुमान जताए जा रहे हैं। अनुमान हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भर्तियां निकलती रहती, फिर भी एक ये खुशखबरी है अगर ऐसा होता है तो। चलिए खबर आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है। प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री की मुहिम के तहत जो है बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने कनिष्ठ सहायकों और सुपरवाइजर यानी कि मुख्य सेवका के रिक्त पदों पर भर्ती की कवायद शुरू कर दी है। और इसके लिए एकीकृत बाल विकास सेवा यानी कि ICDS निदेशालय द्वारा 2981 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा। इनमें से 2214 पदों पर सुपरवाइजर, 767 पदों पर कनिष्ठ सहायक की भर्तियां होंगी। इन पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन जल्दी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा। अब इसको क्यों भेजा जाएगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि UP SSC ही जो है एग्जाम कराते हैं कंडक्ट, और उसी के माध्यम से भर्तियाँ होती हैं। गौरतलब हो कि इन पदों पर भर्ती के लिए 2005 और 10 में भी विज्ञापन जारी हुआ था, जिसके आधार पर लाखों की संख्या में आवेदन भी प्राप्त हुए थे। लेकिन आवेदनों की छटाई में काफ़ी देर होने और प्रक्रिया शुरू होने से काफ़ी समय लगने की वजह से जो सरकारी अदला बदली हुई, जिस पर जो है भर्तियां अटक गईं। जब तक आयोग को अध्याचन भेजा गया तब तक पहले के विज्ञापन के आधार पर आवेदन करने वाले तमाम आवेदकों की उम्र अधिक हो चुकी थी। इस आधार पर आयोग ने इस बार आपत्ति लगा दी थी। उधर आवेदक यह कहते हुए आयु में छूट देने की मांग करने लगे कि भर्ती की प्रक्रिया में विलंब विभाग और आयोग की वजह से हुई, इसलिए उन्हें आयु में छूट देना चाहिए। आयोग ने भी पुराने अध्याचन को यह कहते हुए विभाग को वापस कर दिया कि पहले जारी किए गए विज्ञापन के बारे में निर्णय ले लिया जाए। पिछले दिनों मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और भर्ती के लिए नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करने को हरी झंडी दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों में रिक्त पदों को भरने का अभियान चलाने का भी निर्देश दिया था। इसके मद्देनज़र एक बार फिर से भर्ती की कवायद जो है शुरू कर दी गई है।
सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन रोजगार के तहत ही विभाग ने कनिष्ठ लिपिकों और सुपरवाइजरों के पदों रिक्त पड़े जो पदों को भरने का प्रस्ताव तैयार किया है। तो आप लोग बहुत सारे लोग जो है सवाल पूछते हैं कि भाई इस विभाग में कब वैकेंसी आएंगी, तो वैकेंसी ये जो हम आपको बता रहे हैं ये वैकेंसी जो है मानदेय पर नहीं, सरकारी वैकेंसियों के बारे में बता रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप इनके लिए एलिजिबल हैं तो सरकारी वैकेंसियाँ ये, और निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ता और सहायिकाओं के लिए बेताब रहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि वह भी प्रमोट हो सकते हैं। प्रमोट का मतलब ये है कि वो फार्म भर सकते हैं, विभागीय प्रमोशन के बारे में हम यहाँ पर जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी खुशखबरी, अब देखते हैं कि कब तक ये पद निकलते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल ब्लॉक संसाधन केंद्र सदर में ECCE का 4 दिवसीय BLT यानी कि ब्लॉक लेवल ट्रेनर का प्रशिक्षण प्रारंभ हो चुका है। प्रथम दिवस का प्रशिक्षण 4 सत्रों में संचालित किया गया। पहला जो है प्रतिभागियों के परिचय, उपस्थिति एवं आइस ब्रेकर गतिविधि। दूसरा जो है ECCE का महत्व, बच्चे सीखते कैसे हैं, खेल खेल में आधारित गतिविधियाँ रहीं। वहीं तीसरे जो है खुले में प्रश्न एवं बंद प्रश्न, एवं चौथा जो है समेकन सत्र प्रशिक्षण का उद्घाटन। मुख्य अतिथि जो है बेसिक शिक्षा गुलशन उबन ने बताया कि नई शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी को पूर्व शाला के रूप में स्थापित करने की नीति को सफल बनाने के लिए ICDS विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग की दूरियों को समाप्त कर दिया गया है। दोनों विभागों को मिलाकर तीन वर्षों से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने की योजना है। इस प्रशिक्षण के पश्चात प्रशिक्षित जो है BLT ब्लॉक स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ECCE का प्रशिक्षण देंगे। डायट मेंटर हरिओम प्रताप सहित अन्य लोग जो है मौजूद रहे। तो अब बड़ी खबर जो है निकल कर आ रही है, आपको बता दें BLT यानी कि ब्लॉक लेवल ट्रेनर का प्रशिक्षण हुआ, और प्रशिक्षण ये 4 दिवसीय है। ये सब प्रशिक्षित जब हो जाएंगे तो ये प्रशिक्षण जो है आंगनबाड़ी कर्मियों को देने का काम करेंगे। बिहार की औरंगाबाद से बड़ी खबर है। दरअसल आपको बता दें THR वितरण में OTP सिस्टम लागू कर सरकार आंगनबाड़ी सेविकाओं को तंग कर रही है। इससे विभाग का कार्य प्रभावित हो रहा है। इसके खिलाफ बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ लगातार अभियान चला रहा है। सदर प्रखंड संघ की एक बैठक कार्यकारी प्रखंड अध्यक्ष बिमला कुमारी, संचालन दिनेश कुमार ने किया। संघ के नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार के इस तुगलकी फरमान के कारण सूबे में कुपोषण बढ़ेगा। पहले 4 माह DBT से पोषाहार राशि भुगतान करने के आदेश निर्गत किए गए और अब OTP से वितरण करने को बाध्य किया जा रहा। यह आंगनबाड़ी केंद्र संचालन के हित में नहीं है। OTP सिस्टम के लागू होने से कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अब आपको मालूम कि जब बिहार में OTP प्रक्रिया लागू कर दी गई तो विरोध हो रहा। भाई अभी हमने आपको उत्तर प्रदेश से एक खबर बताई, यहाँ पर बिना पहचान पत्र के किसी को भी सामान नहीं दिया जाएगा यानी कि पुष्टाहार नहीं दिया जाएगा ऐलान हो गया है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भी कई तरीके की दिक्कतें आएंगी। फिलहाल अभी आंगनबाड़ी कर्मियों का क्या कहना है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको बता दें बिहार में आंगनबाड़ियों का कहना है कि समस्या को दूर करने की बजाय विभाग के तानाशाही रवैये के कारण यह मामला उलझता जा रहा है। इसके खिलाफ 18 जनवरी को जिले के सभी बाल विकास परियोजना कार्यालय पर धरना दिया जाएगा। जब तक सरकार के द्वारा इस तुगलकी फरमान को वापस नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर कई आंगनबाड़ी कर्मी और नेता मौजूद रहे। और ज़्यादा खबरों के लिए JMHNews.in पर विजिट करें, तमाम खबरें आप पढ़ सकते हैं। नमस्कार।